हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को IIPE विशाखापट्टनम के बारे में बताऊंगा इन डिटेल, प्लेसमेंट से लेकर फीस तक, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से एग्जाम के थ्रू आप इसमें आ सकते हो, इसका कंपेयर भी करूंगा कि किस IIT या किस NIT के लेवल का ये कॉलेज है, या फिर आपको ये छोड़ के NIT में जाना चाहिए या नहीं, या फिर NIT छोड़ के यहाँ आना चाहिए या नहीं, क्या रीजन है, सारी चीजें, और पिछले 2-3 साल की डिटेल प्लेसमेंट भी बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर IIPE करके है इसका शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ आप देख सकते हो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का है, और ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी चीज है, ये कॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो यहाँ पर अगर हम ब्रांचेस की बात करें, इसके अंदर बीटेक में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो सबसे पहले तो यार ये पेट्रोलियम और केमिकल के लिए तो जाना जाता है, तो बीटेक इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, और उसके बाद जो है आपको बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच भी देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, एंड देन उसके बाद आपको बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी देखने के लिए मिलता है, तो जो मैकेनिकल से करना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन ये बन जाता है। सो यहाँ पर अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको प्लेसमेंट ही दिखा देता हूँ, फिर आगे बताऊंगा और कुछ प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स भी के लिए बात करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर आपको दोनों ही सेक्टर से यहाँ पर रिक्रूटर्स देखने के लिए मिलते हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो गया या प्राइवेट, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से आप देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर कौन कौन से जॉब है ये भी आप देख सकते हो, तो काफी अच्छा है यहाँ पर, और ये स्पेशली मैंने आपको बताया पेट्रोलियम और केमिकल के लिए काफी अच्छा है, ऑयल एंड गैस एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 2024 की बात करें, तो 48 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है दो ब्रांच मिलाकर, मतलब अभी देखो मैकेनिकल का बैच यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये रिसेंटली एड हुआ है, यहाँ पर केमिकल और यहाँ पर पेट्रोलियम देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर 48 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है जो कि कम है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, देखेंगे हम, उनमें से 45 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं, सैलरी में अभी आपको बताऊंगा, तो 93.75% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हो 30 मई तक का ही डेटा है ये, हो सकता है इसके बाद और भी प्लेस्ड हो, तो ये इतना ही अपडेट है अभी। अब देखो सैलरी की बात करें, तो बीटेक केमिकल की अगर हम बात करें तो एवरेज पैकेज 8.94 का है और हाईएस्ट 17.3 एलपीए का देखने के लिए मिल रहा है, और पेट्रोलियम की बात करें तो यहाँ पर एवरेज 8 का है और हाईएस्ट यहाँ 20.71 एलपीए का देखने के लिए मिल रहा है, और ये भी डेटा है देख सकते हो 30 मई का है, और प्लेसमेंट अभी भी गोइंग ऑन है। इस कॉलेज पे कमेंट आ रहा था काफी टाइम से करने के लिए, इसलिए मैं इन डिटेल ये वीडियो कर रहा हूँ, सो इस चीज का ध्यान देना है। तो प्लेसमेंट अगर हम देखें तो बहुत अच्छी है ये, CS ब्रांच नहीं है मैं बोल रहा हूँ, केमिकल और पेट्रोलियम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, बिल्कुल जो टॉप के 10 NITs है वैसे ही इनकी भी प्लेसमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पर बात करें जो हाईएस्ट पैकेज है 20.71 का, ये आप देख सकते हो कि किसके थ्रू है और कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो काफी सारी हैं यहाँ पर, मोस्टली वही तो होंगी यार, ऑयल एंड गैस वाली ही होंगी। सो नाउ अब 2023 की प्लेसमेंट्स देखते हैं, मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा सारी चीजें, तो इस चीज का ध्यान देना है। तो ये आप एक बार कंपनीज देख सकते हो इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद वहीं अगर हम बात करें, 85 स्टूडेंट्स ने 2023 में रजिस्ट्रेशन किया है, अभी देखा आपने ऊपर 48 समथिंग थे, उनमें से 83 स्टूडेंट्स ही सिर्फ इतने ज्यादा हुए हैं 97.64, ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है, क्योंकि यार CS टॉप कॉलेज के CS में ऐसा प्लेसमेंट रेट देखने के लिए मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बार नंबर ऑफ ऑफर्स देखो, 123 है, तो ये देखो जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा नंबर ऑफ ऑफर्स है, ये देख सकते हो। और वही बात करें 2022 में जो पास आउट हुए हैं 74 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 73 प्लेस्ड है 98.64, देख सकते हो कितना कमाल का, और ऑफर्स 105 हैं, तो यहाँ पर कोई भी ब्रांच अच्छा या खराब नहीं होता, इस अगेन यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। कंपनीज की बात करें तो देख सकते हो ये मोस्टली वही है, ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी कंपनीज, यहाँ पर आप इनको अच्छे से देख सकते हो, सो ये देख सकते हो। उसके बाद एक और ये एक रिक्रूटर्स की लिस्ट है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, फ्लिपकार्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, TCS भी देखने के लिए मिलेगा, ये सब तो होते ही। सो अब यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है आपकी फीस क्या देखने के लिए मिलेगी। अगर हम फीस की बात करें तो सिर्फ जो देखो ऑफिशियल कोई डेटा यहाँ पर मुझे अभी तक मिला नहीं, सो उसके अगर मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट जो ओवरऑल मैंने अभी तक रिसर्च किया तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जो ट्यूशन फीस है वो अराउंड 6-7 लाख है, पूरे 4 साल की है ये, और ओवरऑल जो है भी हॉस्टल का हो गया, फिर जो भी है जो आपका ओवरऑल एक्सपेंस है, तो आपको अप्रोक्स 10-11 लाख तक की आपकी टोटल 4 साल की फीस देखने के लिए मिलेगी, जो कि NITs जैसी ही आपको देखने के लिए मिल रही है, IITs तो थोड़े और ज्यादा उनमें लग जाता है फीस, सो फीस के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो है आपके ऑब्वियसली PCM तो होना ही चाहिए, साथ में 75% होना भी चाहिए PCM में, उसके बाद आपका जो एग्जाम है यहाँ पर JEE एडवांस के थ्रू होता है, ना कि JEE मेन्स, इस चीज का ध्यान देना है, और ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि JEE एडवांस, JEE मेन दो फिर एडवांस दो फिर यहाँ पर आना बहुत टफ हो जाता है, इस चीज का ध्यान देना है।
अब बात करें यहाँ पर एनआईटीज की, तो ओवरऑल अगर हम वैसे देखें तो एनआईटी दुर्गापुर के कंपेयर में इसके आता है, मतलब अगर हम लेवल देखें तो बहुत ही न्यू है ये, 2016 में आई थिंक इस्टेब्लिश हुआ था ये, इसका आई थिंक अभी परमानेंट कैंपस भी नहीं है, बन रहा है। सोचो इसको अभी इतना ही टाइम हुआ है और ये एनआईटी दुर्गापुर को यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, सो काफी कुछ साल बाद तो यार ये आईआईटीज के लेवल का हो ही जाएगा। वैसे भी जेईई एडवांस ले रहा है और देख सकते हो आईआईपीई है ये, बस टेक्नोलॉजी के आगे पेट्रोलियम एंड एनर्जी आ गया है, सो ये कॉलेज बहुत अच्छा है। अब बात करें यहाँ पर एनआईटीज में किसको जाना चाहिए इसको छोड़ के, तो देखो यार ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रांचेस लिमिटेड है, अगर आपको सीएस हो गया या फिर वो सब ब्रांच चाहिए होगी तो ऑप्शन भी नहीं है आपको यहाँ आने का, वहीं जाओगे। बट अगर हम केमिकल या पेट्रोलियम की बात करें, जैसे ये एनर्जी की हो रही है, तो यहाँ पर जो है एनआईटीज आपको जो टॉप की एनआईटीज है वहां आप जा सकते हो इसको छोड़ के, क्योंकि उनका जो है टैग एनआईटीज का काफी मैटर करता है, उनका जो है और भी बहुत सारी चीजें, एलुमनाई नेटवर्क इसका भी अच्छा है, बट वो टॉप की एनआईटीज की बात ही अलग होती है, वो काफी एस्टेब्लिश्ड है, वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस पुराने, सो इस चीज का ध्यान देना है। और ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बेटर ही रहेंगे टॉप 6-7-8 एनआईटीज, जैसे वारंगल, सूरतकल, रौरकेला, इनमें अगर आपको केमिकल मिल रहा है तो फिर आप ले सकते हो वहाँ। बट अगर बात करें एनआईटी, जैसे कि मैंने आपको बताया एनआईटी दुर्गापुर हो गया इसके लेवल पे है, अगर इसके नीचे की अगर आपको कोई एनआईटी मिल रही है, सपोज वैसे कोई आप ले लो एनआईटी पटना हो गया या फिर और भी बहुत सारी लोअर एनआईटीज हैं, और अगर ये मिल रहा है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। बट इस चीज का ध्यान देना है इसमें जेईई एडवांस के थ्रू आपका एडमिशन होगा, जेईई मेंस के थ्रू नहीं होगा। वैसे एनआईटी से अच्छा इसका अगर हम कंपेयर करें तो करिकुलम इसका एनआईटी से बेटर है, इस चीज का ध्यान देना है। बाकी प्लेसमेंट वाइज तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा है ये, मतलब कि अगर हम बात करें कुछ डिसेंट एनआईटीज की, टॉप एनआईटीज की अगर हम बात ना करें तो वहां पर केमिकल में भी आपको 8-10 लाख का एवरेज पैकेज देखने के लिए मिलेगा, जैसे टॉप 11-15 एनआईटीज है, कुछ 7-8 तक का एवरेज पैकेज केमिकल में देखने के लिए मिलता है, बट वहां पर 100% प्लेसमेंट नहीं होती है। इवन बेस्ट साइज भी अगर आपका 40-50 का होगा तो उसके अंदर 20-25 स्टूडेंट्स ही प्लेस रहते हैं, बट यहाँ पर प्लेसमेंट रेट देखो सिर्फ 1-2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, और ऑफर्स तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर प्लेसमेंट वाइज भी काफी अच्छा है और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 2016 में ही स्टेब्लिश हुआ है, अभी इसका खुद का कैंपस बन रहा है परमानेंट 200 एकड़ में, तो फिर काफी अच्छा है, कुछ टाइम बाद बहुत आगे ग्रो करेगा ये। सो इसका आई थिंक मैंने सब कुछ इन डिटेल क्लियर कर दिया है, रिव्यू भी दे दिया कैसा है ये। सो अगर वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ। और साथ ही यहाँ पर जैसे इस पे कमेंट आया था तो मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं वीडियो लाऊं, वरना रैंडमली तो मैं सभी टॉपिक्स कवर कर ही देता हूँ। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।